हेलो भाभी जी, आपको प्रिंस ऑफ झिंगुपुर का बहुत भरा आदाब। मैंने कहा भाभी जी आदाब आदाब। वो गुनाहे अजीम होता है भाभी जी। मैंने कहा वो आदाब होता है आदाब। हाँ सही पकड़ रहे हैं, he's hygienic. Yes, I'm totally, absolutely, completely, clinically hygienic. वो his highness होता है। सही पकड़े हैं। अब बताइए महाराज जी, ये प्रजा आपकी क्या सेवा कर सकती है? ऐसी हसीन प्रजा से तो हम मोहब्बत की उम्मीद ही कर सकते हैं। क्या बोले? मैंने कहा हमें तो बस प्रजा का प्यार चाहिए, उनकी मोहब्बत चाहिए। महाराज की जय हो, महाराज की जय, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्या खबर लाए हो पुराने मुनीम जी? महाराज कल आपका राज्याभिषेक है, आपका हाथी तैयार है ना? हमारे पुराने हमारे नए मुनीम ने बताया था कि हाथी का कुछ पेट गड़बड़ हो गया था। महाराज की जय हो। महाराज हाथी की हालत बड़ी नाजुक है, उसके पेट में कुछ भी रुक ही नहीं रहा महाराज। तो कुछ रुकवाओ, उसे डॉक्टर को दिखाओ। परंतु समस्या ये है महाराज कि कानपुर शहर में एक भी हाथी का डॉक्टर है ही नहीं, हमें दिल्ली से डॉक्टर बुलाना पड़ेगा महाराज। अरे तो डॉक्टर को बुलाओ, उस हाथी को ठीक करो, क्योंकि उसी हाथी में बैठ के महाराज का राज्याभिषेक होने वाला है। पर डॉक्टर को बहुत बड़ी रकम फीस के रूप में देनी पड़ेगी महाराज। एक और लगे डॉक्टर को बहुत बड़ी रकम फीस के रूप में देनी पड़ेगी महाराज। महाराज क्या गए गुजरे हैं? महाराज क्या कंगले हैं? खामोश। महाराज के पास बहुत धन दौलत है, डॉक्टर को बुलाओ चाहे जितना पैसा लगे। 10,000 दीजिए महाराज, हाथी को खिचड़ी देनी है और डॉक्टर को फीस। आप बंद करेगा? उसकी कोई जरूरत नहीं, चलो। I like it. Okay.